आज हम बात करने वाले हैं हर्ट साउंड्स की। नॉर्मल हर्ट साउंड्स कितना होता है और हम इसको कब सुनेंगे, कहाँ रखना चाहिए स्ट्रेंथ इसको को, या किस तरीके से हम पल्स लेंगे या पल्स को हम किस तरीके से मेजर करेंगे, ये सारी हम इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। देखते रहिए पूरी वीडियो, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा, क्योंकि हमारी आने वाली वीडियो आने वाली अपडेट आप तक बड़ी आसानी से पहुँच जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम कि हर्ट साउंड्स क्या होते हैं और हर्ट इस साउंड से नॉर्मल क्या होते हैं और किस तरह से हर्ट हमारा कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्स होता है। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि किस जगह पर हमें प्लेस करना चाहिए स्टेथोस्कोप को, जैसे कि हमें क्लियरली हार्ट साउंड सुनाई दे पेशेंट का। ये मेरे पास 12-13 साल का बच्चा है, चाइल्ड है, और इसको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल बच्चा है। इसका हार्ट साउंड सुनने के लिए मुझे क्या करना होगा और स्टेथोस्कोप को हम किस तरीके से यूज करेंगे नॉर्मल हार्ट साउंड में। देखें, ये आपका राइट निपल, ये लेफ्ट निपल, यहाँ पर आपका स्टर्नम, ओके, स्टर्नम, और ये आपका बॉडी, ये आपका जीपर प्रोसेस, ये आपका जीपर प्रोसेस हो गया, और ये आपका हर्ट हो गया कि इस जगह पर जो है ये हर्ट रखा हुआ है आपका, ये जो जगह है। अब मैं आपको नॉर्मली बताता हूँ किस तरीके से हमें हर्ट पर स्टेथोस्कोप रखेंगे तो किस तरीके से ये हम एग्जामिन कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहला ये जो जीपर प्रोसेस है, पेशेंट का जो जीपर प्रोसेस है, इससे हल्का सा ऊपर, मतलब यानी कि थोड़ा सा ऊपर और हल्का सा लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पर मैं जैसे ही हर्ट स्टेथोस्कोप को प्लेस करूँगा, देन उसके बाद में मुझे हर्ट साउंड सुनाई देगी, और आप भी सुनिए। ये देखिए, तो इस तरीके से आपको हर्ट साउंड सुनाई देगी। अब ये हर्ट साउंड नॉर्मल है, और लंग्स का अगर एग्जामिनेशन करना हो तो हम यहाँ साइड में, ये साइड में राइट लंग्स में देखना चाह रहा हूँ, राइट लंग्स की आवाज़ सुनना चाह रहा हूँ। कफ कोड में यूजली हम साउंड्स को सुनते हैं, और देन ये राइट लंग है, राइट लंग में यहाँ से मैं इसको सुन सकता हूँ। पेशेंट को मैं अभी बैठा के अगर एग्जामिन करूँगा तो प्रॉपर तरीके से एग्जामिन होगा। यहाँ पर आपका राइट साइड में ये आपका लीवर है, ये हल्का सा थोड़ा सा पसली के नीचे, ये आपका लीवर है, ये आपका लीवर हुआ, और इस साइड में आपका स्टमक आता है, जहाँ पर जो खाना स्टोर, जो डाइट जो हम लेते हैं, जो फूड स्टोर होता है, वो इस जगह पर होता है, ओके, इस जगह पर होता है। और ये आपका स्प्लीन, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन एरिया है, ओके। जब भी हमें स्मॉल इंटेस्टाइन के साउंड सुनने होते हैं तो हम अराउंड द अम्बिलिकस स्टेथोस्कोप को प्लेस करेंगे, और इस तरीके से हम इसके इंटेस्टाइनल बबलिंग या बबल्स प्रकार कई टाइप्स के साउंड्स होते हैं जो हम सुन सकते हैं। तो ये था हमारा हर्ट के नॉर्मल साउंड्स देखने का। अब मैं आपको बताता हूँ कि हर्ट की नॉर्मल वैल्यू क्या होना चाहिए। हर्ट रेट की नॉर्मल वैल्यू आपकी 72, 80, 85, और बच्चों में ये ज़्यादा जाता है, यानी कि 100 एबव भी जाता है न्यू बॉर्न में, और 100 के आसपास रहता है 1-2 साल के बच्चों में, और इससे अगर हम कम आते हैं तो 60 से लेकर के 62-80, ये आपका नॉर्मल वैल्यू होती है एडल्ट की। 60 से नीचे अगर किसी पेशेंट की हार्ट रेट आ रही है, यानी कि उसे पेरिकार्डिया है, और अगर 80 से ऊपर जा रही है एडल्ट में, 80-90 से ऊपर जा रही है, यानी कि उसको टैकीकार्डिया की कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और हो सकता है कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, या फिर हो सकता है नॉर्मल कभी फीवर की वजह से भी टैकीकार्डिया हो जाता है, यानी कि हार्ट रेट बढ़ जाती है। प्री इन्फेक्शन की वजह से भी आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, बॉडी की हीट बढ़ती है, तो उसके साथ साथ में हार्ट रेट भी बढ़ती है, और हार्ट रेट बढ़ने के कारण कई होते हैं, और इसे हम नॉर्मली टैकीकार्डिया कहते हैं। पल्स हम यहाँ से रेडियल आर्टरी से चेक करते हैं, ये पल्स हम, ये आपकी रेडियल आर्टरी है, यहाँ से हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये मुझे बिल्कुल क्लियरली सो कर लिए सुनाई दे रही है। सो आई थिंक गाइस वीडियो समझ में आया होगा, और अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो प्लीज़ रिव्यू करके देखिए, और वीडियो अगर अच्छा समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू गाइस, बाय बाय।